आखिर कैसे एक इलेक्ट्रिक कील पैदा करती है बिजली, जिससे बड़े से बड़े जानवर भी हो जाते हैं पल भर में ढेर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी इलेक्ट्रिक कील के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये एक ऐसी मछली है जो 860 वोल्ट तक का बिजली का झटका पैदा कर सकती है। ये एक ऐसी मछली है जो मीठे पानी और समुन्द्र में दोनों जगह रह सकती है। वैसे तो इसकी खोज आज से लगभग 250 साल पहले कर ली गई थी, लेकिन लंबे समय तक ईल को सांप की ही प्रजाति माना जाता था। लेकिन सन 1977 में एक वैज्ञानिक ने बताया कि ईल असल में कोई सांप नहीं, बल्कि ये तो एक खतरनाक मछली होती है जो नाइफ फिश फैमिली से ताल्लुक रखती है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये मछली कैसे बिजली का झटका पैदा कर सकती है और इसका झटका इतना तेज कैसे होता है? क्या उससे किसी इंसान की मौत हो सकती है? और क्यों इलेक्ट्रिक कील का झटका उससे खुद को महसूस नहीं होता? इन सभी सवालों के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, यूं तो दुनिया में लगभग 350 से अधिक प्रजातियों की मछलियां ऐसी पाई जाती हैं जो बिजली का झटका प्रोड्यूस करने में सक्षम होती हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश मछलियां और जलीय प्राणी ऐसे हैं जो बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं और उस बिजली के झटके से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट तक का बिजली का झटका पैदा करने में सक्षम है। इलेक्ट्रिक ईल की भी कई प्रजातियों की खोज की जा चुकी है, जिसमें वारी इलेक्ट्रिक ईल और वोल्टा इलेक्ट्रिक ईल का नाम भी शामिल है। ये मछलियां साउथ अमेरिका के आसपास मौजूद कई नदियों और समुद्र में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। सबसे अधिक संख्या में ये अमेजन रिवर में देखी जाती हैं। एक इलेक्ट्रिक ईल समुद्र में इतनी बिजली पैदा करती है कि उसके आसपास 2 से 3 मीटर के दायरे में जो भी मछलियां जीव जंतु होते हैं उनकी पल भर में ही मौत हो जाती है। और अगर कोई बड़ी मछली या ताकतवर जानवर है तो उसकी मौत तो इलेक्ट्रिक कील के झटके से नहीं होती, लेकिन उस जानवर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और कुछ ही देर के लिए वो सुन्न हो जाता है। दोस्तों, ये प्रकृति काफी करिश्माई है। इसने हर जीव जंतु को कुछ विशेष शक्तियों से नवाजा है और इन्हीं में से इलेक्ट्रिक कील जैसी मछलियों को बिजली की ताकत मिलती है। इलेक्ट्रिक कील अपना शिकार करने के लिए बिजली के झटके का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा अपने टारगेट का पता लगाने के लिए और पानी के नीचे गहराइयों में ट्रेवल करने के लिए भी इलेक्ट्रिक ईल इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती है। असल में प्रकृति यदि किसी प्राणी को एक ताकत देती है तो कुछ अन्य शक्तियां उसकी कमजोर हो जाती हैं। ऐसा ही इलेक्ट्रिक ईल के साथ भी है। इलेक्ट्रिक ईल की आंखें बहुत कमजोर होती हैं, ये पानी की गहराइयों में ठीक से नहीं देख पाती। ऐसे में अपने शिकार का पता लगाने के लिए ये अपने आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं। इन्हें इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, यानी बिजली की तरंगे जब किसी चीज से टकराकर वापस आती हैं तो इसके जरिए इलेक्ट्रिक ईल को आसपास के वातावरण का पता चल जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक ईल कैसे बिजली पैदा कर सकती है। वैज्ञानिकों ने लंबी शोध के बाद इस सवाल का जवाब आखिर खोज ही लिया है। इलेक्ट्रिक ईल का शरीर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक मेन पार्ट, दूसरा हंटर पार्ट और तीसरा सैच ऑर्गन। इसमें सैच ऑर्गन एक रडार और नेविगेशन की तरह काम करता है, यानी इसी के जरिए ईल पता लगाती है कि इसके आसपास क्या हो रहा है। और हंटर पार्ट बिजली का झटका पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रत्येक जीव जंतु की तरह ही इलेक्ट्रिक ईल के अंदर भी लाखों की संख्या में सेल्स मौजूद होते हैं और साथ ही इलेक्ट्रोसाइट्स भी इसमें मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रोसाइट्स एक बैटरी की तरह काम करते हैं, जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। जब भी इलेक्ट्रिक ईल को अपने आसपास कोई खतरा महसूस होता है या फिर शिकार नजर आता है तो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक कमांड देता है, जिसके बाद इलेक्ट्रिक ईल अंदर से पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करती है। ये झटका 600 वोल्ट से लेकर 860 वोल्ट तक का होता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस झटके की अवधि केवल 2 मिलीसेकंड तक होती है और एक बार बिजली का झटका देने के बाद इलेक्ट्रिक ईल को दोबारा चार्ज होने के लिए कुछ समय लगता है। किसी भी तरह से बिजली जनरेट करने के लिए एक एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक ईल छोटी मछलियों, क्रैब्स और अन्य जलीय प्राणियों को खाकर एनर्जी लेती है। ये मछली पूरी तरह से मांसाहारी होती है। इलेक्ट्रिक ईल की लंबाई 2 से 2.5 मीटर तक होती है और 15 से 22 साल तक इनका लाइफ स्पैन होता है। इनका वजन 20 किलो तक का हो सकता है। इलेक्ट्रिक ईल की त्वचा ऊपर से काफी अधिक चिकनी होती है। मादा इलेक्ट्रिक ईल एक बार में हजारों लाखों की संख्या में अंडे देती है, लेकिन ये कभी मीठे पानी में, नदियों या तालाबों में अंडे नहीं देती।
अंडे देने के लिए ये 3,000 से 5,000 किलोमीटर तक का सफर तय करती हैं और समुन्दर के बीच में जाकर अंडे देती हैं। इतना अधिक सफर तय करने के बाद इलेक्ट्रिक ईल की हिम्मत जवाब दे देती है और आमतौर पर अंडे देने के बाद ही इनकी मौत हो जाती है। नर इलेक्ट्रिक ईल उन अंडों पर अपने शुक्राणु छोड़ देता है, जिसके बाद हजारों की संख्या में इलेक्ट्रिक ईल के अंडे कुछ समय में लार्वा का रूप ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक ईल सलाइवा से बने घोंसलों में रहते हैं और ये घोंसला बनाने का काम नर इलेक्ट्रिक ईल का होता है। इलेक्ट्रिक ईल के अलावा इलेक्ट्रिक कैटफिश और इलेक्ट्रिक रे फिश भी बिजली का झटका पैदा कर सकते हैं, लेकिन इनकी पावर इलेक्ट्रिक ईल के मुकाबले काफी कम होती है। एक इलेक्ट्रिक ईल आखिर कितनी खतरनाक हो सकती है? दोस्तों, आज इंटरनेट पर कई ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल के हमलों को कैमरे में कैद कर लिया गया है। एक एलिगेटर के साथ इलेक्ट्रिक ईल की लड़ाई का ये वीडियो काफी बार वायरल हो चुका है। एलिगेटर इलेक्ट्रिक ईल पर हमला करता है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी ही देर में इलेक्ट्रिक ईल एक बिजली का झटका देती है जिससे एलिगेटर कुछ ही देर के लिए पैरालाइज्ड हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ईल को दोबारा बिजली पैदा करने के लिए थोड़े समय की जरूरत पड़ती है। ना सिर्फ पानी में बल्कि पानी के बाहर भी इलेक्ट्रिक ईल पूरी ताकत के साथ बिजली का झटका पैदा कर सकती है। एक बार एक कुत्ता इलेक्ट्रिक ईल पर हमला करने की कोशिश करता है। एक झटके में ही कुत्ते की अकल भी ठिकाने आ जाती है। अमेज़न के जंगलों में रहने वाले लोगों का सामना कई बार इलेक्ट्रिक ईल से हो चुका है। इस दौरान इंसानों को बिजली के झटके भी महसूस हुए हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई जिसमें कि इलेक्ट्रिक ईल के झटके के कारण किसी इंसान की मौत हुई हो। यानी कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक ईल का झटका इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन अगर एक साथ कई इलेक्ट्रिक ईल बिजली का झटका दे दें तो उससे इंसान की मौत होना तय है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल को एक डिश के तौर पर भी दुनिया के कई देशों में बड़े चाव से खाया जाता है। पहले लोग इलेक्ट्रिक ईल का शिकार करने के लिए घोड़ों की मदद लिया करते थे। जहाँ इलेक्ट्रिक ईल रहती हैं उस पानी या तालाब में घोड़े लेकर जाते हैं और घोड़ों को थोड़ी देर तक पानी में ही घुमाते हैं। जब इलेक्ट्रिक ईल पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाती है तो उसके बाद इंसान आसानी से इन्हें पकड़ लिया करते थे। यूरोप और अमेरिका के देशों में इलेक्ट्रिक ईल की काफी बड़ी डिमांड देखी गई है। हांगकांग में ये मछली 10,000 रुपए प्रति किलो के भाव में भी बिकती है। इस कारण इलेक्ट्रिक ईल की संख्या में भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। साल 2012 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड था। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक सबमरीन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और कुछ लोग समुन्द्र के अंदर ही अटक जाते हैं, लेकिन तभी एक बिजली पैदा करने वाली मछली की मदद से वो अपनी बंद पड़ी सबमरीन को दोबारा शुरू करते हैं और इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ईल में इतनी ताकत नहीं होती कि वो एक पनडुब्बी को स्टार्ट कर सके। अंत में एक और सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक ईल को खुद बिजली का झटका क्यों नहीं लगता? इतना तेज बिजली के झटके से इलेक्ट्रिक ईल का हार्ट या ब्रेन डैमेज क्यों नहीं होता? इस बारे में फिलहाल रिसर्च जारी है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इलेक्ट्रिक ईल में एक खास प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिस कारण उन्हें बिजली का झटका महसूस नहीं होता, और वो प्रोटीन ही इलेक्ट्रिक ईल के लिए शील्ड यानी कवच का काम करता है। तो दोस्तों, ये थी इलेक्ट्रिक ईल के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि आखिर कैसे इलेक्ट्रिक ईल इतना ताकतवर इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।